तो खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश, सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो आपको बता दें, देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को देहात थाना पर सूचना मिली कि एक अज्ञात युवक की सर कुचली हुई लाश पड़ी मिली है, जिसमें तत्काल प्रभाव से शिवपुरी एसपी ने स्वयं जाकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जहाँ पर खून से सने पत्थर और अन्य साक्ष्य भी मिले। जहां ज्ञात हुआ कि लगभग 5 आरोपी हैं जिनकी शिनाख्त हो पाई है, जहां आरोपियों से जिसमें बताया गया कि अवैध संबंध के चलते ये घटनाक्रम हुआ, जिसकी पतारसी देहात थाना पुलिस ने लगभग कुछ ही दिनों में कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। एक डेड बॉडी मिली थी देहात थाने में, बासखेरी के पास रोड पे, मेन रोड से हट के बासखेरी रोड पे मिली थी, जो समय ब्लाइंड था, बॉडी भी ब्लाइंड था, कोई इसके बारे में अज्ञात था और किसने हत्या किया ये भी कुछ भी मालूम नहीं था। पुलिस ने तत्परता पूर्वक इसकी विवेचना की, खासकर जो अपने देहात की टीम ने एसडीपी शिवपुरी के नेतृत्व में, और बहुत ही जल्दी इस ब्लाइंड मर्डर को डिटेक्ट किया गया। पहले तो जो उसका पहचान स्थापित हुआ, रविंद्र जाटव नाम का एक व्यक्ति जो पहाड़ खुर्द मायापुर का रहने वाला था, मालूम पड़ा कि ये उसकी लाश है। उसके बाद जो है उसमें जो छानबीन की गई, पता किया गया कि ये मालूम पड़ा इसके ही रिश्तेदार लोग थे, जो मौसी के बेटे थे, ये लोगों ने अवैध संबंध के कारण इनका जो है 5 लोगों ने मिलके यहाँ पे मर्डर किया। पहले इनको दारू के बहाने यहाँ, पार्टी के बहाने यहाँ बुलाया और इसको यहाँ पे मार के पत्थर से पिटल के मार के और फिर यहाँ पे फेंक दिया। इस तरह एक 5 आरोपी जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इंदार ये भी रहने वाला मायापुर का था, बाकी लोग जो है इंदार और ईशागर क्षेत्र के हैं रहने वाले आरोपीगण, उनको गिरफ्तार करके सबको जो है अभी उसका रिमांड लिया जाए। आपराधिक रिकॉर्ड उसका पता करेंगे थानों से, अभी सरसरी तौर पे कोई रिकॉर्ड अभी नहीं आया समझ में, लेकिन उसका पता अच्छी तरह से पता किया गया। अवैध संबंध मृतक की पत्नी से नीचे बताया जा रहा है। मृतक के पिता का, नहीं वो नहीं। इसमें जो रिश्तेदारी थे, जैसे कि जो इसमें श्यामलाल था जो मेन इसमें एक्यूज है, वो मृतक का मौसी का जो है लड़का था, ये इन्हीं लोगों के कहने पर आए थे। मृतक को नहीं मालूम था कि इस प्रकार से बातें हैं, मृतक को आइडिया नहीं था इसका।